पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थकों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, तो साल 2024 के लिए कांग्रेस चुनावों की तैयारी करती नजर आ रही है। दरअसल आजाद के समर्थन में बगावत पर उतारू पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएम सरूरी समेत चार वरिष्ठ नेताओं के पद से इस्तीफा आलाकमान ने स्वीकार कर लिया है। इन नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। अभी आजाद समर्थक इसे विषय पर चुप्पी साध रखे हैं। हालांकि उनके करीबी बता रहे हैं कि जल्द वह बैठक कर भावी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई में लंबे समय से वर्चस्व की जंग चल रही है। गुलाम नबी आजाद समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर के खिलाफ जो बगावत की है, उसका अब बुरा भुगतान आजाद के साथ साथ उनके समर्थकों को उठाना पड़ रहा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।